नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का। मैं हूं एमएस निर्मल। इस समय हम अनाज मंडियों में किसानों का जो धान है वो कह रहे हैं एमएसपी से कम पे खरीदी हो रही है। क्यों खरीदी हो रही है, किसानों के साथ क्यों जाती हो रही है। सरकार दावे कर रही है कि हरियाणा में 22 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं, लेकिन इस समय धान की जो एमएसपी है वो 2320 है, लेकिन अनाज मंडी में इस समय धान 1900 से लेकर के 2200 रुपये तक बिक रहा है। ये धान का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इसलिए हो रहा है कि किसानों को कहा जा रहा है कि नमी है किसानों की धान में। अब जब नमी है तो फिर नमी के नाम की काट की जा रही है। ये जब काट करते हैं किसान किसानों के धान पर, तो फिर इनकी नमी दूर हो जाती है, किसानों से लुटाई हो रही है। किसान परेशान है, किसान निराश हैं। अधिकारियों से लेकर सत्तासीन नेता बार बार मंडियों में आ रहे हैं, लेकिन किसानों की तरफ कोई सी का ध्यान नहीं है। केवल ध्यान है तो किसानों की लुटाई का। ये लुटाई कौन कर रहे हैं? किसानों से मिलवाएंगे, किसानों से बात कराएंगे। आखिर क्यों किसानों को लूटा जा रहा है, क्यों किसानों की बार बार लुटाई हो रही है, क्यों किसान परेशान है, क्यों मंडियां भरी पड़ी हैं, इसका दोषी कौन है? अधिकारी हैं या सरकार है? देखते रहिए जनता का। मैं इंद्री अनाज मंडी के मुख्य गेट पर हैं, और मुख्य गेट पर आप देखेंगे कि जो रास्ते हैं, रास्ते पर भी किसानों का धान पड़ा हुआ है। सारे रास्ते इस समय ब्लॉक हैं। ना केवल अनाज मंडी के रास्ते ब्लॉक हैं, बल्कि स्टेट हाईवे भी इस समय जाम हो चुका है। एक तरफ का स्टेट हाईवे बिल्कुल जाम है, क्योंकि इस पर किसानों की धान पड़ी हुई है। ये देखिए, मेन सड़क है स्टेट हाईवे जो यमुनानगर करनाल जाता है, इस समय इस पर भी किसानों का धान पड़ा हुआ, पूरा पूरा स्टेट हाईवे ये जाम पड़ा है। धान किसानों का यहाँ है, क्योंकि अंदर मंडी में कहीं भी किसानों को धान गिरने की जगह नहीं मिल रही है। किसान भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि जो सरकार ने एमएसपी तय की हुई है, क्या एमएसपी पे बिक रही है धान? जी कोई जीरी नहीं बिक रही जी। किस रेट पे बिक रही है? ये 2000, 1900, 2100, 2300 तो कभी एक आधी डेयरी की तो ले रहे जी, यानी कोई जीरी नहीं ले रहे जी। ना छोड़ छोड़ के भाजा जी काम नहीं लेंदे इन्ना। क्यों? नुका सुखी नहीं, और इसते बत्ती सुखी के सारी जीरी सुखी पड़ी जी। अच्छा, और लेट जीरी कटी जी, कोई ले रहे जी, ये झूठे कह रहे जी, हम खरीद रहे हैं और वो कर रहे जी। अच्छा, खरीद नहीं हो रही है? ना जी। कम रेट पे, जब कम रेट पे देते हैं फिर खरीद लेते हैं? बात कर ले जी। क्या कहा? मरते दो, इतने में हम लेवेंगे जी। अच्छा हाँ जी। तो उसमें नमी बता रहे हैं ज्यादा है? नमी कोई नमी ज्यादा नहीं है जी। अच्छा, जीरी सुखी पड़ी, सबकी पड़ी, कोई ले रहे जी, उन जान का झूठ बोल रहे जी, हम खरीद रहे हैं जी। कौन से गांव से आए आप? अमरगढ़ से हैं जी। अमरगढ़ से क्या लेके आ रहे हैं? जीरी लेके आ रहे जी। कितनी जीरी लेके आए थे? एक ट्रेल कल ले थे, 40 क्विंटल 50 क्विंटल आज ले रखी जी। अच्छा, ये जाम लगा पड़ा, ले कैसे यहाँ? ये तड़के 4 बजे का है, 12 बजे मंडी में बढ़े जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, दिक्कत बहुत हो रही है? बहुत ज्यादा जी, कोई उठा नहीं रहा जीरी ना जी। सरकार की वजह से परेशान नहीं हो रही आप लोगों? दोनों की जी, सरकार बोल रही है जी काम एसपी पे खरीद रहे, कोई नहीं खरीद रहे जी, सब झूठ है जी। अच्छा, ये राइस मिलर हैं जी, कोई नहीं खरीद रहे, एक आधी डेयरी ले रहे जी, और बाकी 2019 फट दे खरीदे, फिर उसकी नमी भाग जाएगी। अच्छा हाँ जी, कम रेट पर देना फिर खरीद ला जी। अच्छा हाँ जी। तो ये आड़ती कहते हैं आप लोगों को भी, कम रेट पर बिकेगी, कौन का है ये तो जी? सेलर आखो अगर यू बिक रही जी, बेचो और जिम्मेदार किंग ले जा जी, आधे जोन से बीज उन्हें छोड़ रहे जी, वहाँ अपने घर ले जा रहे ट्रैली में वापसी लाद का जी। अच्छा, कोई यहाँ इस करे, अब तो आपका 10 दिन हो गए यहाँ पड़े हुए आदमी जी, किसान। हाँ जी, परेशान हो रहे, दुखी हो रहे जी। जो सड़कों पर पड़ी है इनकी धान खराब नहीं हो रही? वो खराब हो रही जी, देख लो क्या हाल हो रहा है सड़कों पर जी, डांगर भी खा रहे होंगे सब, हो रहा है जी। अच्छा, कम रेट में दे जी, फट दे ले लो जी, यहाँ कहाँ फिर सूख जाए वो। फिर सरकार तो कह रही है हम जो 22 फसलों पर एमएसपी दे रहे, किसानों का भला हमने बहुत ज्यादा किया, आय दुगनी हो रही है 2022 में। दे तो रहे जी, पर पिछले साल ले रहे थे, इब का तो नहीं लेंदे जी कोई भी। अच्छा, ये राइस मिलर पिछा कहा मारे गए, इब का इनके मजे रहे राइस मिलर जी, सस्ती खरीद रहे जी। अच्छा हाँ जी, सस्ती खरीद रहे। हाँ जी, नुकसान हो रहा है किसानों, बहुत ज्यादा भारी जी। अच्छा, मंडी में धान आ चुकी है, और जो मोटी धान की सरकारी खरीद एमएसपी पे खरीद की बात हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी शिकायतें हैं, किसान आरोप लगा रहे हैं कि उनकी धान एमएसपी से कम रेट में खरीदी जा रही है। 2000 से लेकर के 2320 जो सरकार का रेट है वहां तक खरीदी हो पा रही है। हम राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान हरपाल जी से जानना चाहेंगे कि आखिर ये वजह क्या है, राइस मिलर्स कोई कट लगा रहे हैं या और कोई मसला है, या आड़ती कुछ कर रहे हैं, कारण क्या है?
क्या कहना चाहेंगे जनता हलका? स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जनता हलका का धन्यवाद करता हूँ। और जैसे ही निर्मल जी आपने बात करी है कट की, किसी भी प्रकार का कोई कट नहीं है। सरकार के मापदंड अनुसार इस खरीद की जा रही है। पहले भी इंस्पेक्टर द्वारा परचेज की गई है, अब भी मिलर मैदान में आ गए हैं और मिलर भी कोई कट लगा के या कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे ही किसान का माल आता है उसको अड़ती की जिम्मेवारी है साफ़ सफाई करना, उसको बेचना। इस स्थिति को केवल मात्र अड़ती ही हैंडल करता है। और इस को आप अड़ती से ही इस बात का सवाल जवाब करें। और राइस मिलर जो है वो एक एक दाना उठाने के लिए तैयार है, एक एक दाना उठाने के लिए तैयार है। लेकिन जिन जिस धान में नमी की मात्रा अधिक होती है, जो कहते हैं सरकार सरकारी खरीद कितने जो मापदंड पे है वो खरीदते हैं, 17 बता रहे हैं शायद, और जो अधिक होती है उसको कैसे मेंटेन करते हैं? देखो अब की बार जो है माल लगभग सूखा है, जो फिर भी को अगर जो कोई नमी की मात्रा किसी धान के अंदर है तो बाहर सरकार DC साहब द्वारा आदेश दिए गए सड़क को एक तरफ से जाम करके उस पर किसान की फसल को डाला जा रहा और उसको सुखाई भी किया जा रहा और साफ़ सफाई भी की जा रही है। मतलब जब तक वो जो नॉर्मल है 17 मॉक्चर तय किया हुआ? हाँ, 17 मॉक्चर गवर्नमेंट अनुसार पास है। जब तक 17 नहीं हो पाता उस धान का तब तक उसको सुखाते रहते हैं? बिल्कुल सुखाई हो रही है और ऑटोमेटिक अब की बार धान हड़ताल की वजह से लेट कट रही है, खेत से भी बहुत सूखा माल आ रहा है। खेत से सूखा तो दिक्कत जो किसानों की है वो क्यों इतनी बढ़ रही है फिर? किसान बड़ा आरोप भी लगा रहे। देखो एकदम माल कट के आना, ये इसको प्रक्रिया को सारा पूरा होने में बहुत सारा समय लगेगा, ये एकदम कवर नहीं हो सकता। अच्छा, राइस मिलर से पूरा किसानों को सहयोग करने में तैयार है? राइस मिलर पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है और पिछले 2 दिन से जैसी हड़ताल खुली है, देखो अभी कट्टा भी लिफ्ट नहीं हो पाया, लेकिन सभी राइस मिल भरपूर मात्रा में माल ले रहे हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। किसान हमारे साथ जुड़े, इनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं जी आप? गांव जिमरेडी से जी। जिमरेडी से? अच्छा, धान लेके आए हैं? हाँ जी। क्या रेट बिक रहा धान? 1900-2000 जी। अच्छा, क्यों? और ये 2320 है, कोई खरीद तो नहीं रहा जी। क्या कह रही है? ये तो कह रहे हैं कि अभी शेलरों वाले आगे उठा ही नहीं रहे जी। अच्छा, कोई लिफ्टिंग नहीं हो रही जी यहाँ, कोई कुछ नहीं है जी। अच्छा, ना पूरा रेट मिल रहा है जी। और ये 1900 कह के 2000 कह के फिर उठा लेते हैं, फिर खरीद हो जाती है? फिर ये मॉइस्चर अगर किसी का 17 से भी नीचे है फिर भी रेट पूरा नहीं मिल रहा है जी। 2300 रुपये जो गवर्नमेंट रेट है, 2320 रुपये वो ही नहीं मिल रहा है जी। अच्छा, 14 मॉइस्चर वाले को भी वही 1900-2000 रुपये में बिक रही है जी। उसको क्या कहते हैं, अभी दाना खराब है? हाँ, काला दाना कह दो या कुछ ही कह, उनको तो बनना चाहिए जी। हाँ, लेकिन किसानों की लुटाई हो रही है इसमें पूरी जी, जम के। ये आड़ती और राइस मिलर मिल रहे हैं आपसे? हम तो यही कह रहे हैं कि आपसे में मिल रहे हैं। अच्छा, दोनों पार्टियां आपसे में मिली हुई हैं जी। अच्छा, कैंक का दिन में बिक रही? ये तो लोगों की तो एक बार दो बार बीग भी चुकी है जी, फिर भी नहीं, अभी तक भी नहीं बिकी जी। बरसात में बीग चुकी है जी। अच्छा, बिकी नहीं है फिर? नहीं भी बिकी जी। अच्छा, ये कम रेट पर कब से शुरू हुई? ये शुरू से ही कम रेट पे ले रहे हैं जी, आज 1.5 महीना पहले जी। अच्छा, शुरू से कम रेट? हाँ जी। और बारीक? बारीक वो चाहे मोटी हो जो वैसे ही खेल रहे हैं जी, 1900-2000 जी। अच्छा, पहले जो बारीक थी उसमें भी ऐसी? उसमें भी ऐसा हुआ है जी। ठीक है। ये इंद्री अनाज मंडी का सीधा लाइव आप जनता हलका पर देख रहे हैं, जहाँ भी देखेंगे वहाँ धान ही धान पड़ा हुआ है। कहीं डेरियाँ लगी हैं तो कहीं बोरियों में भरा हुआ पड़ा है, लेकिन उठाई नहीं हो पा रही है। रेट में भी बहुत सारा किसानों के साथ घपला हो रहा। घपला किस बात का? हमें ये किसानों से बात भी आपके करा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि सरकार का जो MSP रेट है वो 2320 है, लेकिन खरीदी जो है 1900 से लेकर के 2100 और 2200 तक हो रही है। किसान लगातार आलोचना कर रहे हैं, किसान निंदा कर रहे हैं कि उनकी धान की जो पूरे रेट हैं वो नहीं मिले। किसान हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे। जीरी ले के आ रहे जी आप? हाँ, ले के आ रहे जी। बिकी? ना बिकी नहीं। क्या कर रहे? वो रेट ही ले रहे जी कोई सा। क्या कर रहे? नमी ज़्यादा है? नमी ज़्यादा तह रहे हैं। अच्छा, सूखी जीरी पड़ी जी। अच्छा, कम रेट में भी ले रहे हैं? कम रेट में भी ले रहे हैं जी। कितने में? 2200 का रखा है ना? अच्छा, 2200 का रखा है? नहीं, मतलब 2200 का रखा है, 2000 1900 1800 ले रहे हैं, 2200 का रखा है। अच्छा, नहीं हमारी साइड में बड़ा 2200 का रखा है। एक और किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या रेट में बिक रही जी जीरी? 2050-2100 लास्ट है जी। मोटी? मोटी जी। अच्छा, और MSP जो 2320 है? 2320 MSP है। कम रेट में क्यों ले रहे? पता नहीं, पूरा पर्चा काटेंगे, अड़ती भी कहते हैं जो पीछे बक्त आते हैं, मैं जो पीछे बक्त वापिस आएंगे सरकारी रेट के। हाँ। वो सेलर वाले को दिए जाएंगे। अच्छा, आड़ती है बोल रहे।
पर्चा पूरे कटे गवर्नमेंट में। एक और बड़ी बात दर्शकों आपको सुनाना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं आरती भाई, पर्चा तो पूरे रेट का कटेगा लेकिन जो अंतर है वो अंतर सेलर वाले के पास चला जाएगा, सेलर वाले ले जाते हैं। हाँ, इस किसान का कटता है वो और सेलर वाला वापिस ले जाता है आगे। अच्छा, हाँ जी, मिली भगत है सारी शायद सरकार की भी हो, अपना खर्चा काट रही हो। अच्छा, इलेक्शन का खर्चा काट रही हो। हा? इसके बारे में पता नहीं, मतलब 2300 का पर्चा किसी का काट रहे जी है पक्का। हाँ, पर्ची दे दा के ले तो देंगे 2320 का पर्चा कटेगा। अच्छा, और पीछे बाकी पैसे पीछे लिख देंगे। अच्छा, पीछे पैसे लिखेंगे भी इतने कम है। अच्छा, और जो पिछले पैसे होंगे और सेलर वाला ले जाएगा। अच्छा, मतलब जो पर्ची देंगे उसको पिछले तरफ नहीं, नहीं पक्के पर्चे पे लिखेंगे। जीप कड़ा पर्चा दे रहे हैं कोई पक्का जीप नहीं देंगे, तो पर्ची देवा पर्ची देवा जी पक्का पर्चा दे रहे हैं। पक्का पर्चा काटेंगे उसकी पीछे माइनस कर देंगे वो पैसे। अच्छा, जो जैसे 2100 लगी तो 2120 रुपये के क्विंटल के हिसाब से घटा के माइनस में पीछे कर देंगे पूरे टोटल पैसों में से, और वो सेलर अड़क जाएंगे। वो सेलर अड़क चले जाएंगे। तो ये तो फिर कब से चला रखे गुल्लूगारा? ये तो कई सालों से है जी, वैसे तो पिछले एक दो साल तो बढ़िया लगी। पूरे जो हड़ताल चल रही थी उसमें, हाँ इस पर हड़ताल चल रही का लूट मच रही जमी कती, जमी लूट हो रही। हाँ। जमी जी, जमी मर गया किसान जमी कती। अच्छा, पहले आए कितना उत्पादन हो रहा है इस बार? इसकी बार तो 24-25 की एवरेज है सारी जीरी। पिछले बार? पिछली बार 30-32-35 तक आ गई थी। 30-35 तक? हाँ। इसका कारण क्या? कह रहे थे सूखे के आएंगे, वो भी नहीं आए। बोले आए नहीं? नहीं, कुछ कह रहे कुछ के आए गए होंगे पता नहीं, हम नजीब अपने नहीं आए किस के आए। अच्छा, तो इस बार किसान को कई हजार रुपए का नुकसान है? हाँ जी, कई हजार किले के साथ कई हजार। पहले तो उसमें पिटे 1500 में पिटे। हाँ। 1000 रुपये कम कर रखा था उसमें भी रेट। अच्छा, अभी इसमें भी कम कर दिया। और ये कह रही है विधायक भी आया था और भी अधिकारी अंदर? विधायक आया, हम जाके ऑफिस में दफ्तर में जाके मार्केट वाले में एक दो डेरी पे जाके अपना वापिस चले गया। और विधायक के कर कुछ नहीं कहा, क्या पता क्या कहे होगा, उसी साइड से चले गया अफसरों से मिल मिला। अच्छा ठीक, इनसे जानेंगे धान ले क्या रहे जी? हाँ जी सर। अच्छा, बिक्री है? ये भी तो पता नहीं जी, गई नहीं मालक भी के क्या होगा जी। अच्छा, क्या कह रहे वैसे, क्या रेट लगेगी? कुछ नहीं बता रहे जी। हाँ। ये कह रहे थे 2100-2200-2250 बिक्री जी। और ये तो 2330 बता रहे रेट, तो बता रहे बिक तो नहीं जी, बिक नहीं रही है। और कम रेट पे ले लेंगे? कम रेट पे नहीं बता रहे, पता नहीं जी, माऊ कभी माऊचर कभी कसनी कभी कुछ नहीं करना। अच्छा, ज्यादा पका के जाओ कसनी, थोड़ी गिल्ली जाओ। केंद्रीय अनाज मंडी में आ और किसानों की जीरी किस रेट में बिक रही है किसानों से पूछ रहे हैं। इस बार मोटी धान का जो रेट है वो रेट कह रहे हैं कम बिक रहा है और सरकार की एमएसपी का 2320 है। क्या कहना चाहेंगे किसान हमारे साथ जुड़े, कहां से आए हैं जी आप? क्या नाम है जी? अली शेर जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसे रेट में जीरी बेच के आए, जीरी लेके आ रहे थे आप? अच्छा, लगी 2220 लगी और रेट तो 2320 का है। फिर 2220 क्यों लगी? नमी बता रहे थे? नमी बता रहे, नहीं बढ़िया खड़ी थी। अच्छा, सूखी थी? सूखी बड़ी थी। और फिर कम रेट पे क्यों लगाई? पता नहीं यार, एमएसपी जो है वो धान की 2320 है। 2320 है, पता नहीं की। और आपकी लगी 2220। 100 रुपए का डिफरेंस है। 100 रुपए का। आपने पूछा नहीं 38 से? 38 है, क्या कह रहे इसी रेट लगेगी? और किसानों ने क्या क्या बताया आपको? अच्छा, किसी को 2200, किसी को 2000, किसी को 1900, इतने ही रेट आएंगे। अच्छा, 1900 से लेके अच्छा गवर्नमेंट का रेट तो होना चाहिए जी। अच्छा, कम रेट दे रहे हैं सरकार, तो कह रही है एमएसपी पे खरीद रहे, 22 फसलें खरीद रहे, थोड़ी नहीं पता नहीं जी, बहुत बढ़िया अंदर छड़ी पड़ी जी कहीं देने अभी। अच्छा, अब जो कम रेट जो कहो भी पूरे रेट में दो, फिर कोई खरीदा नहीं? खरीदा ही नहीं जी भाई। अच्छा, तीन चार दिन पड़ी थी। ये देखिए किसानों का हाल आप लगातार सुनिए, उनकी पीड़ा सुनिए। किसान कह रहे हैं कि कई दिन से उनकी धान मंडियों में पड़ी है लेकिन कोई खरीदार नहीं है, और ये खरीदार क्यों होंगे? देखिए हालात जब मंडी में ज्यादा है धान आई हुई तो वो चौक हो चुकी है, जाम हो चुकी है मंडी, और ये मंडी के बाहर का दृश्य हम मेन सड़क का जो स्टेट आई हुई है ये दिखा रहे हैं, ये जनेसरों तक जा चुका है और जनेसरों यहाँ से काफी दूर है, पूरे जनेसरों तक कई किलोमीटर का ये टुकड़ा है, और ये मेन जो सड़क है मेन सड़क पर जाम हो चुकी है इस समय धान।